स्वच्छ भारत का इरादा, इरादा कर लिया हमने देश से अपने वादा, ये वादा कर लिया हमने स्वच्छ भारत का इरादा, इरादा कर लिया हमने देश से अपने वादा, ये वादा कर लिया हमने स्वच्छ भारत का। हमसे निकलेगी स्वच्छता की एक नदी, चल 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 कल 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 कल, एक धुली सी जिंदगी, स्वच्छता की ज्योत लेकर घर घर जाएंगे, साफ सुथरी रोशनी में सब नहा। हर गली अब उन्नति की राह जाएगी, उपआशा की आंगन आंगन गाएगी, स्वप्न गांधी जी का अब साकार करना है, स्वच्छता का देश में त्योहार करना है। खुद से ही करनी होगी शुरुआत, बनाएं स्वच्छ भारत साथ साथ, एक पवित्र सी हवा बहेगी, उज्जवल उज्जवल हो भारत, कोना कोना निर्मल होगा विश्व कहेगा जय भारत, जाग उठेंगे भाग्य हमारे स्वच्छ बनेगा ये भारत, जाग उठेंगे भाग्य हमारे स्वच्छ बनेगा ये भारत। मेन फोकस हमारा बच्चों को पढ़ाने के ऊपर है, तो इसके साथ बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ जब हम अलग अलग जगह घूमे तो हमें ये लगा कि हमारा हम जहाँ रहते हैं देहरादून प्रेमनगर, यहाँ पे नालियाँ बंद हो गई हैं, क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ हमारे ये यहाँ पे जो कूड़ा फेंका जाता है, यहाँ के रेस्टोरेंट्स खाना फेंकते हैं, पॉलिथीन फेंकते हैं, फ्रूटी की बॉटल्स फेंकते हैं, इसकी वजह से नालियाँ बंद हो चुकी हैं। तो हमने एक छोटा सा हमने ये चलाया है, एक अभियान चलाया है जिससे कि प्रेमनगर साफ किया जाता है। अभियान के चलते हम यहाँ के स्थायी निवासियों से यह जानना चाहेंगे कि हमारे इस अभियान से क्या फर्क पड़ा, कैसा था पहले, कैसा था अब, आप उन्हें क्या रिजल्ट नजर आया। अभियान में जो हमने प्रेमनगर को साफ करने का हमने अभियान चलाया है, आपके हिसाब से आपको क्या बदलाव नजर आया, पहले कैसा था अब कैसा आपको नजर आया? पहले के सामने आपको सामने ही देखो, हमने वहाँ बाल्टी भर के रखी हुई ना पड़ी, हम ट्रॉली आते हैं उसमें ट्रॉली फेंक दिया, अब आगे शाम में आने और वही आती गाड़ी की उसमें डालना चाहिए ना, कि लोगों की गलत बात है कि यहाँ पे नालियाँ फेंकते हैं, राह चल के आगे से पूछे कि उन्हें क्या दिक्कतें होती हैं इन इस गंदगी को देख के। आइए चलो देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं सफाई चल रही है, यहाँ पे हम लोग तो अभी आप आ रहे हैं, तो आपको जब आप पहले भी यहाँ से आते होंगे? हाँ एक्चुअली मैं यही डिसाइड कर रहा हूँ, तो यहाँ पे तो गंदगी है, आपको क्या लगता है यहाँ पे गंदगी है क्यों? तो इसलिए है कि भाई लोग बात जो है खा पी के सब नहीं फेंक सकता, सामने दुकान इतनी सारी खाने खाने
कचरा करें यहीं, मतलब सोसाइटी में अवेयरनेस नहीं है कि यहाँ डंप यार्ड्स लगने चाहिए, डंप यार्ड्स नहीं है, उसी कारण लोग खाते थे तो सब नहीं करते थे जगह बारिश के टाइम में बिल्कुल ओवरफ्लो हो जाता था तो पानी सड़कों के ऊपर आ गया था, इससे ट्रैफिक जाम बहुत ज़्यादा होता था। थैंक यू, आपसे बात करने के लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो एवरीवन, आई एम विदान शर्मा फ्रॉम बिल्डिंग फाउंडेशन। अब जानते हैं कि प्रेमनगर में इतने सफाई अभियान करने के बाद, अब अभियान चलाने के बाद पुलिस का क्या कहना है इस विषय में, पुलिस क्या कहती है? यहाँ तो ये ठेकेदार को जो बाजार के अंदर लगा रखा है तो हटाना चाहिए बिल्कुल, यहाँ पे हटानी चाहिए जी। और यहाँ पे भीड़ भी बहुत ज़्यादा लगती है इन्हीं को से। सर आप देखिए बताएंगे कि प्रशासन का क्या तरीका होना चाहिए? बढ़िया होना चाहिए, सही तरीके से काम। आप लोग इसमें पेनल्टी क्यों नहीं लगा के जो इतने सर, इन पर पेनल्टी लगनी चाहिए, पेनल्टी लगनी चाहिए। और ये जो शराब के ठेके हैं सब ये बहुत गंदगी करते हैं, ये गंदगी करते हैं। सर आपका क्या कहना है इसमें, आपसे बात करना चाहेंगे? ये रहा चलते मुसाफिर से बात कर रहे हैं हम, आपका कहना चाहिए? हम बिल्डिंग फाउंडेशन से यहाँ पे सफाई अभियान चला रहे हैं आप, ये बहुत ज़्यादा गलत है और इन्होंने जो है बहुत पूरा माहौल में कर रखा है, ये हटना चाहिए, हटना चाहिए, बिल्कुल हटना चाहिए। प्रशासन को क्या बोलना चाहिए? प्रशासन को इसके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए, कुछ ना कुछ। और हमारा आम आदमी को क्या करना चाहिए? जैसे वो घर पे सफाई रखते हैं वो भी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल रखनी चाहिए, सफाई भी यहाँ पे रखनी चाहिए, बहुत जरूरी है। यहाँ पे गंदगी कर रखी है, ये देखो इतना बुरा कर रखा है, जिनमें इधर रुपये आ रहे हैं इतना बुरा लिया मचा रखा है। थैंक यू। तो ये थे हमारी आम जनता देहरादून की, जो हमें भी यही बता रही है और आप लोगों को भी यही सलाह देंगे कि जैसे आप घर पे अपने घर को साफ सुथरा रखते हैं, जहाँ बोलते हैं कि लक्ष्मी निवास वहीं करती है जहाँ पे साफ सफाई होती है, तो हमें अपनी पब्लिक प्लेस को भी साफ सुथरा रखना चाहिए। यही हमारा आज की सोच होनी चाहिए और छोटे से बड़े हर पक्ष के लोगों को भी यही सोचना चाहिए।